नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को SBI लाइफ स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आपके पास पूर्वजों की संपत्ति नहीं है और आप यह सोचकर पेंशन लेते हैं कि आपके न रहने की स्थिति में आपके परिवार वालों का क्या होगा, कैसे वह लोग अपने आगे के जीवन को व्यतीत करेंगे, आपके बच्चों का एजुकेशन कैसे चलेगा, तो वैसे लोगों के लिए जो अपने परिवार के लोगों को सुरक्षा देना चाहते हैं, फिनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं, उनके लिए SBI लाइफ स्मार्ट स्वाधान प्लस प्लान एक बेहतरीन ऑप्शन है। स्मार्ट स्वाधान प्लस प्लान में पॉलिसी टर्म के दौरान एक बहुत बड़े अमाउंट का रिस्क कवर का प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है। यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी को ले रखा है किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनके परिवार वालों को एक बड़ा अमाउंट वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है, जिसकी सहायता से वे अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से जी सकते हैं। और यदि पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर सुरक्षित रहता है, उसके साथ किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी नहीं होती, पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है, तो पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी को चलाने के लिए जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में दिया गया था, वह 100% पॉलिसी टर्म के अंत में मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। SBI लाइफ स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान में कितना रुपया प्रीमियम के रूप में देने पर कितने बड़े अमाउंट का आपको लाइफ कवर का लाभ मिलता है, कितने समय तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होता है और कितने समय तक का आपका पॉलिसी टर्म रहता है, पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आप लोगों को कितना पैसा मिलता है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी की ऑफिशियल पेज पर दिए गए कैलकुलेटर के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो आप अपने लिए स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी लेते समय एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। देख सकते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर SBI लाइफ स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज को आप ओपन कर लें। पेज ओपन करने के बाद हमें नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, जहाँ पर आपको नेम वाले बॉक्स में अपना नाम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है और जेंडर वाले ऑप्शन से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्लान टाइप का होता है। प्लान टाइप में हमारे पास तीन ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम का होता है। रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन के तहत आपको जितने समय तक का आपका पॉलिसी टर्म होता है, उतने समय तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करते रहना होता है। दूसरा ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम का होता है, जिसमें आपको पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है। और तीसरा ऑप्शन सिंगल प्रीमियम का होता है, जिसमें आपको केवल एक ही बार प्रीमियम का भुगतान करना होता है। पॉलिसी लेते समय प्लान टाइप में से आप अपनी इच्छा अनुसार तीनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन का चुनाव करना चाहें उस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला ऑप्शन जो कि रेगुलर प्रीमियम का है, इस वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रीमियम फ्रीक्वेंसी का होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन होता है, जिसमें पहला ऑप्शन ईयरली, दूसरा हाफ ईयरली, तीसरा क्वार्टरली और चौथा मंथली होता है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी में हमसे पूछा जाता है कि आप प्रीमियम का भुगतान कैसे करना चाहते हैं। चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में आप प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पॉलिसी टर्म का होता है।
स्मार्ट स्वाधान प्लस प्लान में पॉलिसी टर्म कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक 30 साल तक का होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार जितने समय का पॉलिसी टर्म आप लेना चाहते हैं उस समय का पॉलिसी टर्म वाले ऑप्शन से आप चुनाव कर लेंगे। हमारे केस में हम 20 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव कर रहे हैं, तो यहाँ पॉलिसी टर्म 20 साल सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म वह समय होता है जितने समय तक आपको एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। यदि पॉलिसी लेते समय हम प्लान टाइप में से दूसरा ऑप्शन जो कि लिमिटेड प्रीमियम का है इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन हमारा एक्टिव हो जाता है, और यदि हम लिमिटेड प्रीमियम की जगह रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है। देख सकते हैं जैसे ही यहाँ मैंने लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव किया तो यहाँ हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन एक्टिव हो गया। जो पॉलिसी टर्म है हमारा 20 साल का है, और प्लान टाइप में से यदि हम लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन को लेते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म में हमारे पास तीन ऑप्शन है, 5, 10 और 15। इन तीनों ऑप्शन में से हम जितने समय का चाहें जिस ऑप्शन का चाहें उसका चुनाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन में हम 15 साल वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पॉलिसी टर्म 20 साल का रहेगा और 15 सालों तक एक निश्चित राशि ईयरली हमें प्रीमियम के रूप में देते रहना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सम अश्योर्ड का होता है। सम अश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। सम अश्योर्ड कम से कम 5 लाख रुपए तक का होता है। आप जितने बड़े अमाउंट का सम अश्योर्ड लेना चाहते हैं, जिस अमाउंट का प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, उस अमाउंट को सम अश्योर्ड वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। हमारे केस में हम लोग 25 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ले रहे हैं, इसलिए यहाँ हम 25 लाख रुपए टाइप कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन चैनल टाइप का होता है। यहाँ हमसे पूछा जाता है कि आप स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी को किसके माध्यम से ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल एजेंट्स वाला ऑप्शन डाल देंगे। जो भी जानकारी हमसे कैलकुलेटर में पूछी गई थी उन जानकारियों को हमने भर दिया है। अब हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सक्सेस का हमें मैसेज मिलता है, इस मैसेज को क्लोज करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं जो सम अश्योर्ड हमारा 25 लाख रुपए का है, ईयरली प्रीमियम के रूप में हमें 33,250 रुपये भुगतान करना है, प्रीमियम का भुगतान हमें 15 साल तक करना है, और जो हमारा पॉलिसी टर्म है वह 20 साल का है। यानी कि जब हमने पहला प्रीमियम 33,250 रुपये का भुगतान कर दिया तो उस दिन से पूरे 20 साल तक पॉलिसी होल्डर के ऊपर 25 लाख रुपए का सम अश्योर्ड चलने लगेगा। अब यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु कभी भी पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 25 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन यदि पूरे 15 साल तक पॉलिसी होल्डर 33,250 रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में जमा कर देता है, उसके बाद 5 साल वेट करता है और पॉलिसी टर्म के पूरा होने तक पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 4,98,750 रुपये प्राप्त होगा, जो कि उसके द्वारा 15 सालों में दिया गया कुल प्रीमियम होता है। अब यदि आप यहाँ प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन में 15 की जगह 10 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में आपको कैलकुलेशन मिल जाता है। देख सकते हैं अब जो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह 10 साल है, 10 साल में जो हमारा प्रीमियम है वह 39,675 रुपये हो जाता है, यानी कि 39,675 रुपये हमें 10 साल तक प्रीमियम के रूप में देना है, उसके बाद 10 साल इंतजार करना है। इस 20 साल में कभी भी यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी तो उसके नॉमिनी को 25 लाख रुपए डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा, और यदि पॉलिसी होल्डर जीवित रहेगा तो कुल उसे 3,96,750 रुपये मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना कितना आसान है, और कैलकुलेटर का प्रयोग करके आप अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।